ये घटना है 24 जून 1915 की, जब विश्व की पहली लड़ाई थी। हंगेरियन सोल्जर ने पॉल कैरन को बुल्गेरियन सोल्जर ने उनके माथे के बीचों बीच गोली मार दी थी और उसे टोटल नोटिक कहा जाता है। और जब इलाज के लिए ले जाया गया तो उनने सबने कह दिया था, लोगों ने कह दिया था कि वो जिंदा नहीं बच पाएंगे, बट वो ऑपरेशन में गोली निकाल दी और वो जिंदा बच गए। जब वो जिंदा हुए ऑपरेशन से जागे तो उनने कभी नींद महसूस ही नहीं करी। 63 साल तक वो हमेशा बिना नींद के रहे। और 1915 में हुई थी विश्व की पहली लड़ाई और 1978 में जाके उनकी मौत हुई। तो कैसी लगी ये फैक्ट आपको, लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना।